वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गए हैं। थंबनेल फिर से देख लिया होगा आज आप लोगों ने। तो बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो स्कूटी में ज़्यादातर 90% देखने को मिलता है। वो ये है कि आपकी स्कूटी की जो किक होती है वो जाम हो जाती है। तो जाम ना हो इसकी क्या सेफ्टी, हम ऐसे क्या पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जिससे हमारी स्कूटी की किक जो है जाम ना हो, और वो किस रीज़न से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे मैं आपको तीन टिप्स जो है आपको देने वाला हूँ जो मेन आपकी मेजर किक जाम होने से बचा सकती है। पहली चीज़, वीक के अंदर वन इन द वीक आपको स्कूटी को खड़ी कर लेना है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये काम करना है। एक बार स्कूटी को खड़े कर लेना है डबल स्टैंड पर, इग्निशन ऑफ कर देना है और नॉन स्टॉप 5 बार किक मारनी है इग्निशन ऑफ के अंदर। कोई मैटर नहीं करता कि आप उसको डेली किक से ही स्टार्ट करें, बस एक वीक के अंदर आपको 5 बार किक से स्टार्ट करना है, मतलब किक से इग्निशन ऑफ करके किक चलाना है। अब वो क्यों करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, आपने अगर किक से नहीं भी स्टार्ट किया पूरे हफ्ते के अंदर और जो आपने 5 बार किक मार ली, तो क्या होगा, जो आपका मैकेनिज़म है जिसमें कई बार किक ना लगने की वजह से जंग लग जाता है या पार्ट्स जो होते हैं स्टक हो जाते हैं, तो अपना पार्ट जो होता है वर्किंग में ना होने की वजह से, जंग जुंग लगने की वजह से एकदम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, तो वो 5 बार किक लगने से ऑलमोस्ट क्या होगा, अपने वर्किंग प्रोसीजर में रहेंगे भले आप उसमें किक से स्टार्ट करो या ना करो। तो एमरजेंसी केस में अगर आपकी कभी किक आपको मारनी पड़ती है तो वो आपके काम में आएगी। जो सेकंड नंबर है वो है आप लोगों को करना क्या है कि अपनी स्कूटी को एक हफ्ते में एक बार, 7 days आपको सिर्फ एक बार अपनी स्कूटी को किक से स्टार्ट करना है। पूरे हफ्ते नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही करना है। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही मेजर है, आपको सुनना ज़रूरी है। तो थर्ड ये है कि आप जब भी एक साल के अंदर या जब भी आप सर्विसिंग करवाते हैं स्कूटी की, मतलब आप साल में 2 बार तो करवाते ही होगा, आपको उसका जो चैम्बर होता है किक का जो चैम्बर होता है वो खुलवा लेना, उसको पूरा ग्रीसिंग करवा लेना, जितने भी गरारियाँ होती हैं उसके अंदर और पार्ट्स वगैरह होते हैं, किक विक होती है, स्प्रिंग होता है, सबको आपने ग्रीसिंग करवा लेना है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो पार्ट, अगर आप उस पर किक को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें ग्रीसिंग ख़त्म होने के कारण भी जंग वंग लग जाता है और वो किक जो होती है जाम हो जाती है। तो आपको उसको ग्रीसिंग करवा लेना ताकि जो आपके पार्ट हैं वो लुब्रिकेट रहें और वो ख़राब ना हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको किक जाम होने से बचाने के लिए यूज़ करनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, गुड बाय।